गुड मॉर्निंग बच्चों, ये है क्लास फर्स्ट ग्रामर। हमारा फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा अपना इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। सेकंड था वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। थर्ड चैप्टर है हमारा वर्ड, शब्द। शब्द किसे कहते हैं, शब्दों के गलत मेल से क्या होता है और सही से कैसे क्या बनता है। इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे शब्द के बारे में। अ वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज सम मीनिंग। लेटर में अक्षर होता है, वर्ड में शब्द। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। कई अक्षरों को मिलाकर उनको जोड़कर तब शब्द बनता है। दैट हैज सम मीनिंग, यहाँ पर कुछ इसके मतलब बताया गया है। एग्जाम्पल टी ए सी टैस, इट इज़ नॉट ए वर्ड, यह शब्द नहीं है, यह एक शब्द नहीं है। टी ए सी कोई शब्द नहीं बन रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है वो कोई शब्द नहीं होता। सी ए टी कैट, इट इज़ ए वर्ड, यह एक शब्द है क्योंकि कैट मीन्स बिल्ली होता है। टी ए सी टैग, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये कोई शब्द नहीं है। सेकेंड वाला हमारा शब्द बन रहा है, कैट मीन्स बिल्ली होता है। बी पुट ऑन लेटर आफ्टर अनदर एंड मेक ए मीनिंगफुल वर्ड, रीड दिस मीनिंगफुल वर्ड्स। बैट डेन हैन पिट सन लॉट कैरी फन टॉय, देयर इज वॉवेल इन एवरी वर्ड। प्रत्येक शब्द में एक स्वर होता है। यहाँ पर प्रत्येक शब्द में एक स्वर है। सम वर्ड्स हैव नो वॉवेल्स, कुछ शब्दों में स्वर नहीं होता है। बट द लेटर वाई, लेकिन अक्षर वाई जो होता है इज यूज लाइक ए वोवेल, हम उसे स्वर के स्थान पर प्रयोग करना पसंद करते हैं। ए है हमारा, क्या बताया गया इसमें, अक्षरों के मेल से जो अक्षर होते हैं जैसे ए बी सी डी ई एफ, हम जब इनको जोड़ते हैं, जब इनके जोड़ से कोई एक शब्द बनता है जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई मतलब होता है, वो एक शब्द होता है। तो शब्द को बनाने के लिए अक्षरों को जोड़ना पड़ता है, तो अक्षरों के मेल से उसके समूह को शब्द कहते हैं। फर्स्ट है हमारा अरेंज द नेम ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, यहाँ पे हमें जानवर और चिड़ियों के नाम लिखने हैं। फर्स्ट है ए डैश हैज़ लॉन्ग नेक, यहाँ पे फिगर में देखिए क्या बना हुआ है, चित्र देखकर आप जान सकते हैं कि कौन सा जानवर है, कौन सा एनिमल है। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि ये जिराफ है, क्योंकि जिराफ की गर्दन जो होती है बहुत लंबी होती है उसका नेक, तो यहाँ पे जिराफ। इसका जो ये लिखा हुआ है अरेंज करना है हमें इसको क्रम से लिखना है, तो क्या लिखेंगे, जी जिराफ हो गया हमारा, जी आई आर ए डबल एफ ई जिराफ, जिराफ हो गया। टू है ए डैश कैन रन वेरी फास्ट, या बहुत तेज दौड़ सकता है, या बहुत तेज दौड़ सकता है। फिगर में देखिए कौन सा एनिमल्स है, आप लोग जानते होंगे ये हॉर्स है। यहाँ पे जो इसका स्पेलिंग है एस ई आर ओ एच, तो श्रेय ये गलत है, हमें इसको ऐड करना है, करम से लिखना है, हॉर्स की स्पेलिंग यहाँ पे लिखना है। तो क्या होगा, एच ओ आर एस ई हॉर्स हो गया। थर्ड है हमारा ए डैश गिव अस वूल, या हमें ऊन देता है, तो क्या होगा, सीप्स एस एच
शिप, शिप मिस होता है भेड़। फोर्थ है ए डैश लिव इन ए फॉरेस्ट, ये जंगल में रहता है। चित्र में देखिए कौन सा एनिमल है, आप लोगों को पता होगा, टाइगर, टी आई जी ई आर, ये हो गया टाइगर। बी है चूज द राइट वर्ड, हमें सही शब्द चुनना है। द गिवन बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और हमें सही शब्द को चुनकर यहाँ पे लिखना है। ये हमारा बॉक्स दिया हुआ है, यहीं पे ढूंढना है कौन सा सही है। फर्स्ट है दिस एनिमल गिव अस मिल्क, ये जानवर हमें दूध देता। इट इज़ ए, आप लोग जान सकते होंगे, जानते होंगे कौन सा जानवर हमें दूध देता है। तो यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे सारे क्लोज में लिखे हुए हैं, हमें यहाँ पे देखना है, इसी में से ढूंढना है। नहीं तो दूध तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो देते हैं, लेकिन इतने में से हमें ढूंढना है ऐसा कौन सा है एनिमल जो देता है। मंकी, आंट, काउ, हनी बी, फूड। तो मंकी दूध देता नहीं, आंट भी नहीं, तो थर्ड है हमारा काउ। तो फर्स्ट होगा इट इज़ ए काउ, इट इज़ ए काउ, काउ हमें दूध देती है। सेकंड है दिस इंसेक्ट गिव्स अस हनी, दिस इंसेक्ट गिव अस हनी, ये कीड़ा हमें शहद देता है। इट इज़ ए हनी भी होगा, दूसरा होगा हनी भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच ओ एन ई वाई हनी बी, हनी बी हो गया। थर्ड है दिस इज व्हाट वी ईट, ये क्या है हम खाते हैं। इट इज़ ए फूड, भोजन हम खाते हैं। फूड मीन्स भोजन, एफ ओ डी फूड, फूड मीन्स भोजन हम खाते हैं। दिस एनिमल जम्प ऑन ट्री, दिस एनिमल जम्प्स ऑन ट्रीज, कौन सा जानवर है जो पेड़ों पर कूदता है। मंकी, एम ओ एन के ई वाई, मंकी हो गया। फाइव है हमारा दिस इज़ ए वेरी हार्ड वर्किंग क्रिएचर, या बहुत कठिन काम करता है, हार्ड वर्किंग क्रिएचर, ये जो कीड़ा है ये बहुत मेहनत करता है, बहुत हार्ड वर्किंग मतलब बहुत मेहनत से काम करता है। कौन सा कीड़ा है, तो है आंट, आंट में चींटी होता है। अक्सर चींटियाँ छोटी छोटी चीज़ें ले जाकर इधर से उधर ले जाया करती हैं। ये हो गया हमारा दिस इज एनिमल गिव अस मिल्क, काऊ, काऊ हमें दूध देती है। दिस इंसेक्ट गिव अस हनी, मधुमक्खी जो होती है वो हमें शहद देती है। दिस इज़ व्हाट वी ईट, हम जो खाते हैं वो फूड होता है। दिस एनिमल जम्प्स ऑन ट्रीज, मंकी जो पेड़ों पर कूदता है। हनी बी, सॉरी आंट जो बहुत हमेशा हार्ड वर्क करता रहता है। लुक एट द गिवन पिक्चर्स, यहाँ पे इतने सारे फिगर्स दिए गए हैं। सी हमारा लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड रेड द वर्ड्स, फाइंड दीज वर्ड्स इन द ग्रेड, यहाँ पे लुक एट द पिक्चर एंड रेड द वर्ड्स, हमें यहाँ पे इसको देखना है और उसको रेड से उस शब्द को कलर कर देना है। तो ये पेन हो गया, ये बुक हो गया, यहाँ पे जो दिया हुआ है हमें यहाँ पे इसको भरना है। इसको देख के यहाँ पे ये जो फिगर दिए हुए हैं आप लोग इसको देखिए, इसका जो स्पेलिंग है यहाँ पे देख के यहाँ पे आपको मिला के एक शब्द बनाना है। ये अक्षर दिए हुए हैं ए बी ओ ओ के, ये अभी अक्षर हैं, जब हम इनको जोड़ेंगे तो एक वर्ड बनेगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करना है। तो ये हमारा कोई वर्ड नहीं अभी बन रहा है, तो हम यहाँ पे बी डबल ओ के बुक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा बन रहा है बी डबल ओ के बुक,
ये हमारा एक वर्ड हो गया। तो बुक, बुक मिस होता है किताब। फर्स्ट है हमारा पेन, तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे पेन कहाँ बन रहा है, तो पेन यहाँ पे पी ई एन ये हो गया। यहाँ से उठाएंगे हम इसको, इसको इतना हम पेंसिल से कर रहे हैं, लेकिन आप लोग रेड कलर से, रेड स्केच से कर दीजिएगा। थर्ड है केक, तो केक हमारा यहाँ पे बन रहा है सी ए के ई, स्पेलिंग देख लीजिए, केक हो गया। इसको यहाँ पे ऐसे करके ऐसे वर्ड ये हो गया हमारा। लायन, एल आई ओ एन यहाँ पे बन रहा है। लायन ये हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर, सॉरी सेकंड नहीं थर्ड था, हमारा थर्ड चैप्टर वर्ड कंप्लीट हो गया कि शब्दों के सही मेल से एक शब्द बनता है। और यहाँ पे हमने फिल भी कर दिया है, आप लोगों को इसको ध्यान से देखना है और अपने नोटबुक में लिखिएगा भी। फिर ये यहाँ पे दिया था क्या, अरेंज करना था इसको, अलग अलग लेटर थे इनको ऐड करके हमें वर्ड बनाना था। यहाँ पे लिखा हुआ भी था, यही स्पेलिंग पढ़ के हमें यहाँ पे फिल करना था, जो हो गया। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ चैप्टर, आर्टिकल्स एंड ए एन का प्रयोग, तो हम इसको नेक्स्ट डे बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।